यार यूट्यूब में बकचोदी की कमी नहीं है, यहाँ पे ड्रामा करने वाले लोग हैं तो कोई मुंह में केला लेने वाले, पर इन सब का बाप है लिविंग ऑन दी एज उर्फ पाकिस्तानी रोडीज, जिसको चलाते हैं पाकिस्तान के सबसे डेयरिंग बाज वकर ज़का, जहाँ पे बोला जाता है कि सांप को नाक में डालना है मुंह से निकाल। अबे वो सांप है रस्सी नहीं, जिसको नाक से डाल के मुंह से निकाल ले। नहीं यार, जहर खाने वाली बात ये हो जाती है कि लोग ऐसी बकचोदी कर भी लेते हैं। यार आज हम बात करेंगे वका जका के डेयरिंग बाज शो लिविंग ऑन द एज यानी पाकिस्तानी रोडीज के बारे में। तो यार अब बिना किसी लौड़ा लहसुन के ना, लेट्स गेट स्टार्टेड। सर मेरा कहने का मकसद है कि आपने अबे तो गिटार तोड़ने में क्या डेयर है सर मेरे सर पे। तो यार इस बंदे के हिसाब से इस दुनिया का सबसे बड़ा डेयरिंग काम है गिटार तोड़वाना, वो भी अपने सर पे। नहीं यार इस हिसाब से तो WWE वाले सबसे बड़े डेयरिंग बाजू है। नहीं आए दिन अपनी गांड पे जो गिटार तोड़वाते हैं। तू नुकसान करेगा फिर उसके बाद भरम दिखाएगा, ये लो पैसे 2,00,000 रुपए कीमत है, तोड़ दे 2,00,000 दे तेरी सिलेक्शन हो जाएगी। 2,00,000 रुपए कीमत है, तोड़ दे 2,00,000 दे तेरी सिलेक्शन हो जाएगी। नहीं यार तुम लोग मानो ना मानो, वकार भाई के हिसाब से ये गिटार 2,00,000 का है। हाँ यही गिटार 2,00,000 का है। नहीं यार अब तुम लोग बताओ मेरे को, ये किस एंगल से 2,00,000 का गिटार दिख रहा है। नहीं यार 2,000 का गिटार 2,00,000 का तभी दिखने लगता है जब कोई आदमी सस्ते नशे के ओवरडोज में हो, और यहाँ वकार भाई के साथ यही सीन है, सस्ते नशे में डूबे हुए। अगर तुम लोग को लग रहा है कि वकार भाई इस बंदे को बोलेंगे कि इस पेपर की पत्ती को कान में डाल ले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, क्योंकि वकार भाई के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इसको 2 मिनट में पूरा खा लेगा सिलेक्शन हो जाएगी। इसको 2 मिनट में पूरा खा लेगा सिलेक्शन हो जाएगी। अभी कोई वकार भाई को बताओ कि वो रोटी नहीं पेपर है जो कोई 2 मिनट में खा ले। और तुम लोगों को क्या लगता है बंदे ने पेपर खाया होगा कि नहीं? नहीं तुम लोग खुद ही देख लो, देखो देखो किस शिद्दत से खाया जा रहा है यार पेपर को। अबे रुक जा भाई रुक जा, कब्ज की बीमारी हो गई ना तो लौड़े लग जाएंगे। ये तूने इतना खाया है, एक और चांस देता हूँ, इससे ज्यादा खा ले। आवाज निकाल है ना, ये ले बैठ सही है। क्या लिखा है इंजीनियर? अबे ये सही है यार, बंदे ने पेपर खाए और सेलेक्ट हो गया। नहीं यार इस शो में ऐसे कई लोग आए हैं जिन्होंने केकड़ों को कभी अपने मुंह पे रखा है तो मेंढकों को अपने लंड पे, पर यार वो लोग सेलेक्ट नहीं हुए और बंदे ने पेपर खाया और सेलेक्ट हो गया। नहीं यार खुशी देख रहे हो बंदे की? नहीं यार इतना खुश हो रहा है जैसे 7-8 करोड़ की लॉटरी लग गई हो। अमाद हिम्मत वाला काम क्या कर सकता है, जल्दी बता दे इससे पहले दूसरा कंटेस्टेंट आ जाए। जो भी आप बोलो, जो भी आप बोलो। कपड़े उतार दो यार सारे सारे। बस भाई बस यही रुक जा भाई तू। नहीं यार यही रुक जा। नहीं यार तुम लोग मेरे को बताओ यार, कपड़े उतरवाना कौन सा बड़ा डेयरिंग होता है यार? नहीं यार कैसे कैसे शौक पालने लगा यार वकार भाई? नहीं यार वहां पहले से ही 3 लोग परेशान करने वाले भरे पड़े हैं भाई, चौथा मत बन जाना यार अब तुम। अब तुम लोग मानो या ना मानो यार, इस एपिसोड में असली बकचोदी ना इसी बंदे के साथ हुई है। नहीं यार 6-7 झापड़ खाए वो तो अलग बात है, पर वकार भाई ने तो इसे बंदी बना के छिड़वा भी दिया। ये पहली दफा मिल रही है, क्या करेगा? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने क्या कुदरत बनाई है तुम्हारी, ये नशीली आंखें जाना कसम खुदा की बियर और शैंपेन से ज्यादा, मुझे इनमें डूबना है और तुम्हारी आंखों से पीना है। नहीं यार बंदे का चेहरा देखो यार, एक बार वो भी सोच रहा होगा कि भाई एक बार कोने में ले जाके गांड पहलवा लेते, पर ऐसी बकचोदी क्यों कराए। अब ये देखना है कि हिम्मत वाले भी हो या ड्रामा है। ये बल्ला उठाओ, इस बल्ले को जमीन पे नहीं मारना, किसी जगह नहीं मारना, अपने जिस्म के किसी भी हिस्से में मारकर इस तरह तोड़ना कि तुम्हारे जिस्म का वो हिस्सा खराब ना हो। अबे वो बैट है, वो भी ड्यूज बैट है भाई, हड्डियां टूट जाएंगी पर वो बैट नहीं टूटेगा। नहीं यार बंदा खुद कुपोषित का शिकार लग रहा है, बैट क्या खाक तोड़ेगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। लड़कियां मारती इतना हल्का, नहीं यार मेरे को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि बंदा क्या सोच के ऐसी बकचोदी कर रहा है यार। भाई मेरी बात सुन, मेरी बात सुन भाई, ध्यान से सुन यार, गांड टूट जाएगी पर वो बैट नहीं टूटने वाला, मत कर भाई मत कर इतना मेहनत। Why are we still here?
just to suffer. तो यार वकार भाई के शो में कई लोग गए पर किसी ने ये काम नहीं कर पाया जो इस बंदी ने किया। नहीं, पहले तो वकार भाई ने इस बंदी से पुशअप पढ़वाया। आ जा। नहीं यार, अगर तुम सोच रहे हो कि ये लड़की गलत पुशअप मार रही है ना, तो तुम लोग गलत हो, मैं गलत हूँ, ये पूरी दुनिया गलत है, क्योंकि ये बंदी सही है। मैंने हाई पुशअप्स किए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सही, शानदार। नहीं यार, अगर सच बोलू तो मैं भी पहली बार हाई पुशअप के बारे में सुन रहा हूँ, वो भी इस बंदी के मुंह से। यार, आवाज आते इस बंदी के उस कारनामे में जो इससे पहले कभी पाकिस्तानी रोडीज के इतिहास में नहीं हुआ। चले ठीक है, हो गया आपका ऑडिशन, आ जाए। थैंक यू सो मच। ऐसे उठा ले, वो नहीं देना मुझे। आ जाए, खुदा हाफिज। हो गया, जाए। ओके, थैंक यू सो मच। वैसे अरे जाए, अरे जाए भाई, जाए इलाज कराए अपना, जाए भाई। एक मिनट, जब चला जाता यहाँ से तो फिर वापस। जी बोले, एक बात करना। जी। क्या? अरे भाई क्या मुसीबत चले, क्या? श्री, मैं आपकी। ले ली भाई, ले ली, लौंडी ने खोल के ले ली वकार भाई की। तो बस यार, आज कल ऐसे नहीं खत्म करते हो। वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो यार, शेयर करो। और अगर चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज भाई, प्लीज भाई।